वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 6 to 7 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 1 मीटर 2 कॉटन फैब्रिक्स लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे टॉप के लिए हमें मार्किंग करनी है। फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। चेस्ट का पार्ट हम लेंगे यहाँ पे 8 इंचेस और हल्का सा आर्म शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 8 इंचेस, यहाँ से ब्रॉडनेस हमने ली है 8 इंचेस। नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस। राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करने हैं दोनों पार्ट्स के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप्स रेडी की है। इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 45 इंचेस और लेंथ हमने ली है 4 इंचेस, जिसे इस तरीके से हमें 2 फोल्ड करना है। और यहाँ पे चेयर बॉर्डर पे हमें इसे अरेंज करना है। तो इस तरीके से प्रेस लेते जाना है और ऊपर से सिलाई करते हुए यहाँ तक अटैच कर लेना है हमें। तो देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ पे रफल अटैच कर ली है और यहाँ पे हमने जो सेकंड फैब्रिक से 2 स्टिप्स हमने कट की है टॉप पार्ट के साथ अटैच करने के लिए। ब्रॉडनेस हमने सेम रखी है और लेंथ हमने ली है 6 इंचेस। अब यहाँ पे इसे हमें उल्टा रखना है अपर पार्ट के साथ और हमें सिलाई करनी है। वापस हमें कवर सिलाई करनी है ऊपर से। ये देखिए, हमने इस तरीके से सेकंड फैब्रिक से पार्ट हमने अटैच कर लिया है। तो टॉप का पार्ट हमारा यहाँ पे 12 इंचेस रेडी हो गया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए हमें बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो बेस फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है और इसके ऊपर एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और दोनों पार्ट्स के लिए एज इट इज़ हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट्स के लिए हमने बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे बेस फैब्रिक को मेन के ऊपर हमें उल्टा रखना है और आर्म होल में और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है इस तरीके से दोनों पार्ट्स में। तो देखिए, हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे हम। और नोचिस लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट्स राइट साइड में टर्न कर लिए हैं। एक को राइट रखते हैं, दूसरा इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों शोल्डर हमें अटैच करना है। ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को यहाँ पे हमें 2 फोल्ड कर लेना है और राउंड शेप यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 पीसेस मिल गए हैं इस तरीके से, जिसे यहाँ पे हमें अटैच करना है आर्म होल पे। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है।
सेंटर से दोनों साइड पे 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्क को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है यहाँ तक, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी अटैच करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने इस तरीके से हमने पैटर्न यहाँ पे अटैच कर ली है और ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरीके से। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के लिए अब एक से दो रेक्टेंगल पीसेस हमने कट किए हैं इस तरीके से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 30 इंचेस और लेंथ हमने ली है 23 इंचेस। यहाँ पे सेकंड फैब्रिक से हमने दो स्ट्रिप्स कट की है, एक स्ट्रिप्स कट की है जिससे फ्रंट साइड पे हमें अटैच करना है और बैक साइड को रोंग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। और यहाँ पे इस तरीके से राइट साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से बेल्ट हमें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट पार्ट को डेकोरेट करने के लिए नीचे वाले बॉर्डर को। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को डेकोरेट कर लिया है और अपर बॉर्डर पर बड़े नंबरों की सिलाई करनी है हमें। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे गैदरिंग करने के लिए एक धागे को अलग करेंगे। और एक हल्के हाथ से खींचते हुए पूरी ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग कर लेना है और बॉटम के दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी करेंगे हम। तो देखिए हमने इस तरीके से बॉटम के दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है इस तरीके से वन बाय वन। तो देखिए हमने इस तरीके से टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट्स को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करेंगे और इसे फिटिंग कर लेना है और इसे राइट साइड में टर्न करना है। ये देखिए हमने इस तरीके से फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, नीचे और ऊपर को भी फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही डिज़ाइनर भी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।